मॉर्निंग, आज हम दोनों निकल पड़े हैं चंपावत लोहा घाट की तरफ। तो देखते हैं क्या क्या लोकेशंस कवर होती हैं। प्लान हमारा है रीठा साहिब गुरुद्वारा जाने का, उसके बाद हम आगे अगर टाइम हुआ तो मायावती आश्रम भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं किस किस तरीके से वहाँ पहुँचा जा सकता है और कितने सुरम्य नज़ारे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बीड़ा पानी के आसपास पहुँच गए, यहाँ हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है। बीड़ा पानी पहुँच चुके हैं हम लोग, अब आएगा हरी नगर। तो ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं नरतुला, यहाँ पर जो क्षेत्र लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं आजकल कितने अच्छे बुराश के फूल खिले हुए हैं। मार्च का महीना और पूरी जो वादियाँ हैं वो लाल इन फूलों से। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध पुष्प, इसका जूस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्क्वैश जूस बुराश का। पूरा लाल लाल जंगल आपको दिख रहा है नीचे। तोला और ये जो प्लेस्ड है ये पूरा का पूरा नरतोला गांव है, ऊपर को और ये नीचे को। चुके हैं मोरनोला, अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे चंपावत जिले की तरफ। और इस तरफ का जो ये रास्ता है ये जाता है शहर फाटक और आगे होते हुए धानाचुली। शहर फाटक से आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं, फिर धानाचुली से आगे हल्द्वानी। और अभी हम जा रहे हैं आगे चंपावत जिले की तरफ। ये दिख रहा है देवी दुरा 30 किलोमीटर, लोहा घाट 75 किलोमीटर। और हमारा रास्ता शुरू हो गया है इस सुरम्य रास्ते की तरफ। इस तरफ रोड भी काफी अच्छी बनी हुई है। चैती यहाँ से 13 किलोमीटर और लोहा घाट अभी भी 72 किलोमीटर बचा हुआ है। पेड़चूला पहुंच चुके हैं हम लोग। पेड़चूला मंदिर दिख रहा था, अब हम पेड़चूला से आगे बढ़ चले हैं। अब यहाँ से जो बालका है 10 किलोमीटर और लोहा घाट जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो है 65 किलोमीटर। आज के इंटरवारी घटना, अब हम इससे आगे बढ़ चले हैं कटना गांव से आगे। हम यहाँ पे रुके हैं वारी घटना के आसपास थोड़ी देर के रेस्ट के लिए। और ये हैं हमारे पतिदेव जो गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं। ये है हमारी नैनो। आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है मेरे स्कूल की, तो हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। रीठा साहिब में मीठे रीठे मिलते हैं। रीठे का जो स्वाद होता है वो अक्सर हल्का खट्टा कसैला कड़वा इस टाइप का होता है, लेकिन रीठा साहिब के जो रीठे हैं वो फेमस हैं मीठे रीठों के लिए। तो अब हम वहाँ जाके आपको बताएंगे कि कैसे थे वहाँ के रीठे। देवीधुरा 10 किलोमीटर, पाटी 26 और लोहा घाट हमारा रह गया है मात्र 55 किलोमीटर। सीधे सीधे यहाँ से चंपावत जिला शुरू। यहाँ पर चुनाव के लिए चेकिंग हो रही है, हमारी गाड़ी रोकी गई है।
देवी दुरा हम पहुंचने वाले हैं और ये है उस रास्ते की वेजिटेशन काफी अच्छी। मोस्टली पहाड़ों में चीड़ दिखता है लेकिन यहाँ पर देवी दुरा के आसपास ग्रीनरी और भी प्लांट्स है काफी। ये माँ बाहराई को जाने वाला रास्ता नीचे की तरफ और वो सामने दिख रहा है मंदिर का प्रांगण दिख रहा है। लास्ट टाइम हम लोग देवीधुरा मंदिर गए थे। ये आगे वाला रास्ता देवीधुरा की मार्केट दिख रही है। ये है देवीधुरा मार्केट यहाँ पे दिख रही है। ये एक आगे से भी रास्ता है देवीधुरा मंदिर जाने का जो 200 मीटर है यहाँ से करीब। लोहा घाट चंपावत पिथौरागढ़ 105 यहाँ से। यहाँ में रुके हैं हम मार्केट में और हम यहाँ कर रहे हैं नाश्ता। उसके बाद हम आगे का अपना सफ़र करेंगे शुरू। ये सामने रास्ता गया देवीधुरा मंदिर की तरफ। इधर जाना है हमें और ये गया है लोहा घाट चंपावत की तरफ। कॉलेज आज के आदर्श में महाविद्यालय और अब हम निकल चले आज के आदर्श महाविद्यालय पर को इसका रास्ता गया है। ये रिपोर्टिंग पुलिस चौकी देवीधुरा। अभी हम देवीधुरा के क्षेत्र में ही हैं। पहुंच चुके हैं पार्टी और ये है पार्टी की मार्केट। पूरी काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया होटल्स रेस्टोरेंट्स जनरल स्टोर्स और सभी कुछ यहाँ दिख रहा है। खान 17 धूना घाट 8 लोहा घाट 29। तो अब हम पार्टी से आगे बढ़ चले हैं लोहा घाट की तरफ। ये फटक शिला मंदिर है जो कि यहाँ से 400 मीटर दूरी पर है। ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं मंदिर की। हेरिटेज सर्किट, ये है हेरिटेज सर्किट पिथौरागढ़ यहाँ से 110 लोहा घाट 20। एबट माउंट 29 मायावती आश्रम 28 रीठा साहिब। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे रीठा साहिब का गेट और अब हम बढ़ चले हैं रीठा साहिब की तरफ। नीचे को जा रहे हैं रीठा साहिब की तरफ। अच्छी खासा डाउन है यहाँ पे रास्ता। पर जो बिल्डिंग दिख रही है वहां से हम नीचे को टर्न हो गए थे। इस रास्ते पर काफी पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर।
माध्यमिक विद्यालय दुबचोड़ा चंपावत। रीठा साहिब अभी 28 किलोमीटर है। रोड अच्छी है लेकिन दूर काफी है। खूबसूरत नज़ारे यहाँ के दिख रहे हैं, बांज का जंगल। रीठा साहिब रह गया है अब 7 किलोमीटर यहाँ से। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पीछे दिख रही है एक नदी। मार्केट ही है रीठा साहिब गुरुद्वारा रोड। ये है रीठा साहिब मार्केट। गुरुद्वारा दिखने लग गया है और सामने एक नदी भी दिख रही है। जय हो बाबा जी। खेत बहुत खूबसूरत खेत, एक समान और भयंकर ढलान यहाँ पर नीचे। पहुंच गए हैं हम गुरुद्वारे के गेट पर। ये गुरुद्वारे में हम पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए और यहाँ से हम सर पे दुपट्टा मैंने रख लिया है। हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में। ये सामने गुरुद्वारा है और सर पे साफा बांध लिया है इन्होंने। इस तरफ भंडारा चल रहा है। गुरुद्वारे में हर समय लंगर चलता रहता है। ये गुरुद्वारा साहिब है। गुरुद्वारा के बारे में लिखा है रीठा साहिब गुरुद्वारा लोधिया और रतिया नदियों के संगम पे है। 1960 में इसको बनाया है। गुरु नानक देव जी ने भी यहाँ पर आए थे और कई सारी चर्चाएं करी थी उन्होंने गोरखपंथियों के साथ। और रीठे के पेड़ से रीठा फल तोड़ा था जिससे कड़वा साबुन का फल भी मीठा हो गया। इसीलिए इस स्थान को रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इसके बारे में लिखा है उत्तराखंड टूरिज्म। अगर हम इसके आसपास की चीज़ें देखें तो लदहोली माँ बाराही टेंपल जो हमें रास्ते में मिला था, मायावती आश्रम 62, पंचेश्वर टेंपल 95, पूर्णागिरी 161। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। गुरु नानक देव जी हैं जो प्रवचन दे रहे हैं अपने। बहुत सुंदर कलाकारी यहाँ पर। गुरु नानक देव जी और बहुत सुंदर यहाँ की एंट्रेंस। ये यहाँ पे गुरुद्वारा।
तरफ भी गुरुद्वारे गुरुद्वारा प्रांगण ही हैं और इसके पीछे एक नदी है। ये पुराना हॉल है, यहाँ पे सब गुरुओं की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा हॉल, सीढ़ियों से ऊपर जाके गुरुद्वारा है। ये है गुरुद्वारा साहिब जी। प्रसाद मिला है हमको हलवे का गुरुद्वारे से, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा। साहिब के दर्शन करने के बाद ये इसका पीछे का प्रांगण और यहाँ से सामने नदी दिख रही है। साथ ही साथ ये जो खेत है, खेत भी एक समान सपाट खेत है, बहुत अच्छी खेती हो रही है। और ये सामने रोड दिख रही है जिससे अभी हम आए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की, साफ सुथरा प्रांगण, बहुत अच्छी हवा चल रही है नदी के किनारे। और अभी नीचे जो हम उतरे थे वो इस रास्ते से उतरे थे, सामने उस तरफ रीठा साहिब मार्केट है, ऊपर की तरफ काफ़ी घनी आबादी है, यहाँ बहुत लोग बसे हुए हैं इस जगह पे। गुरु नानक साहिब जी का लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे वो आए थे तो वो कब पहुँचे थे और कैसे वो रहते थे, उनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर लंगर खिलाया जा रहा है और इस तरफ थालियाँ धुल रही हैं, हाथ धोने का टैप लगा हुआ है। साहिब से वापस हम निकल चुके हैं, आधा रास्ता हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मायावती आश्रम की तरफ। अब तो हम